वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ का ये कहना है कि एहतजाज पर जीरो टॉलरेंस है, पी टी आई को कोई ऑफर नहीं दी। वज़ीर दाखिला ने सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला बावर कराने के लिए बैरिस्टर गौहर को कॉल की। बाहर आना है तो बारी पी टी आई अदालतों से रुजू करें। उन्होंने प्रोग्राम टू नाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू करते हुए मजीद ये भी कहा है कि तरीके इंतशार कभी पुरअमन नहीं रह सकती। जो कानून हाथ में लेगा उसके खिलाफ आखिरी हद तक जाएंगे। आने वाले चंद माह में बानी पी टी आई की रिहाई 1% भी मुमकिन नहीं है। मजीद क्या कहा उन्होंने सुनिए। जीरो टॉलरेंस है, जो आएगा वो गिरफ्तार होगा। नहीं जी, कोई ऑफर नहीं दी गई और ये एक मजाक बन गया है कि जब दिल करता है तो वफाक पे लश्कर कशी करते हैं। ये लोग पुरमन नहीं रह सकते। ये चाहते क्या है? मुतालबा सिर्फ एक है, हमारे लीडर को एनआरओ दो, हमारे लीडर को रिहा करो। तो उनके अंदर होने से मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट 97,000 क्रॉस कर गई है। कल रिपोर्ट आई है कि सेकेंड मोस्ट इमर्जिंग मार्केट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है। कोई फर्क नहीं पड़ता, रोज ऐलान करें। देखिए बात यह है, हमें बिल्कुल ये अलर्ट आया था कि इनके जत्थों में लोग शामिल हैं जो हमेशा की तरह पुलिस वालों पे, आम शहरियों पे तशद्दुद और उनके जानो माल को नुकसान पहुंचाएंगे, उसको मद्देनजर रखते हुए और लोगों की जानो माल के तहफ्फुज के लिए हमने ये इकदाम उठाए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कारोबार को जो नुकसान होता है, तरीके इंतशार के साथ है, ये कभी पुरअमन नहीं रह सकते। इनका माजी ये बताता है कि पुरअमन नहीं रह सकते।